आज की वीडियो में हम जानेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी कल के दिन किस तरह से बिहेव कर सकते हैं, कहाँ पे हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, कहाँ पे एंट्री और एग्जिट पॉइंट होना चाहिए, सारी डिस्कशन करेंगे और जानेंगे लेवल्स क्या बन के निकल के आ रहे हैं कल के दिन के लिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या बन रहा है, ऑप्शन चिन्ह डेटा देखेंगे, ऑप्शन चिन्ह डेटा क्या कह रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। बैंक निफ्टी का चार्ट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैंने ओपन कर रखा है। बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो ये एक ट्रेंड लाइन बन के निकल के आ रही है। ट्रेंड लाइन बहुत ही बढ़िया से बन रही है, आप देख पा रहे हैं ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है और ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकडाउन होगा तो एक अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। ये मैंने कल के एनालिसिस वीडियो में बताया था और बिल्कुल ब्रेकडाउन होने के बाद आप देख पा रहे हैं अच्छा खासा मूवमेंट मार्केट ने दिया है। थोड़ा सा ब्रॉड करके देख लेते हैं हम यहाँ पे आज के दिन मार्केट ने क्या किया है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि आज के दिन मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन देने के बाद एक रिट्रेसमेंट किया और फिर डाउनसाइड मार्केट आई है। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बड़ी बड़ी कैंडल बनी हुई है, ग्रीन कैंडल भी बड़ी बनी हुई है और रेड कैंडल भी बड़ी बनी हुई है। तो यहाँ पे ट्रैपिंग हो रही थी, जो है वॉलिटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से यहाँ पे जो कुछ लोग प्रॉफिट में होंगे उनका भी यहाँ पे लॉस हुआ होगा क्योंकि बड़ी बड़ी कैंडल बन रही थी। भाई देखिए यहाँ पे 700 पॉइंट की कैंडल बनी है, 700 पॉइंट की कैंडल, एक ही 15 मिनट की कैंडल 700 पॉइंट की बनी हुई है। तो जबरदस्त रैपिंग यहाँ पे हो रही थी और ऐसे सेशन के दिन जो भी सेशन होते हैं, बजट सेशन था आज, तो ऐसे दिन बहुत ज़्यादा वॉलिटिलिटी होने की वजह से इस तरह से ट्रैपिंग नॉर्मल है, होती है। और कल के दिन अगर मार्केट समझ लीजिए 200 दिन की मूविंग एवरेज और 50 दिन की मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट करके अपसाइड निकलती है तो एक अच्छा मोमेंट हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ट्रायंगल पैटर्न के ऊपर जैसे ही मार्केट निकलने लग जाएगी हमें एक अच्छा मोमेंट देखने को मिल जाएगा क्योंकि आज के दिन का जो हाई था उसके ऊपर भी मार्केट निकल जाएगी और हमें एक अच्छा मोमेंट देखने को मिलेगा। अगर गैप ओपनिंग हो जाती है, समझ लीजिए इतना बड़ा गैप ओपनिंग हो जाती है और 52,744 का जो लेवल है उसे ब्रेक कर जाती है तो हमें ऊपर की तरफ ये टारगेट देखने को भी मिल सकते हैं जो मैंने टारगेट आपको बताए थे पिछली बार। ठीक है, तो देख लेते हैं हम क्या हो सकता है कल के दिन मार्केट में। यहाँ पे हम एनालिसिस करेंगे और देख पा रहे हैं आप हमारा जो सपोर्ट था बिल्कुल वही सपोर्ट है आज के दिन, कल के दिन, कल के लिए भी 51,757 का सपोर्ट रहेगा कल के दिन के लिए। अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होती है, गैप ओपनिंग होती है हल्का फुल्का और डाउन साइड आती है तो यही सपोर्ट रहेगा, ये सपोर्ट लेके मार्केट अपसाइड निकल सकती है फिर से। अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होती है, यहाँ पे कहीं पे गैप डाउन ओपनिंग होती है इस रेजिस्टेंस के नीचे, अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो मार्केट डाउन साइड आ सकती है। हमारा टारगेट जो है ये रहेगा 51,400 का, ये हमारा अगला टारगेट होगा। नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम लेवल लगा देते हैं 51,363 का हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा। अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होती है, हल्का फुल्का गैप डाउन ओपनिंग होती है या फ्लैट ओपनिंग होती है, डाउन साइड आती है, ये पहला टारगेट रहेगा। और उसके बाद अगर नीचे की तरफ बात करें तो नीचे की तरफ भी एक अच्छा टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट लेवल हमारे पास ये वाला जो सपोर्ट है वो बन के निकल के आ रहा है, जो सपोर्ट में यहाँ पे लेवल बना के आपको दिखा देती हूँ। ये वाला सपोर्ट होगा हमारा अगला टारगेट, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने लेवल बना दिया है और ये सपोर्ट हमारा अगला टारगेट होगा जो है 51,144 का लेवल। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर मार्केट और ज़्यादा गिरने लग जाती है तो हमारे पास नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो बहुत ही बड़ा सपोर्ट है और यहाँ तक का मूवमेंट भी आपको बैंक निफ्टी दिखा सकती है। जो सपोर्ट बन रहा है यहाँ पे 50,599 का, यहाँ तक भी मार्केट आते हुए नज़र आ सकती है आपको। अगर मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक कर जाएगी, इस तरह से इस सपोर्ट को अगर ब्रेक कर जाएगी और डाउन साइड आती है तो कंटिन्यू हमें ये लेवल देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस को ट्रेल करके आप इतना बड़ा टारगेट अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एनालिसिस है बैंक निफ्टी की। ट्रायंगल पैटर्न बिल्कुल बने रहने दीजिएगा, अगर आपने बनाया है अपने चार्ट में तो बिल्कुल इस ट्रायंगल पैटर्न को बने रहने दीजिएगा। अगर ये ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट करके मार्केट अपसाइड निकलती है कल के दिन, इस ट्रायंगल पैटर्न के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो हमें एक अच्छा मूव भी देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो ये एनालिसिस है, रिकवरी भी कर सकती है मार्केट, कहीं से भी रिकवरी पॉसिबल है। तो यहाँ पे यही एनालिसिस है बैंक निफ्टी के, लेवल्स सारे मैंने आपको बता दिए हैं। यहाँ पे देखिए
50 दिन की मूविंग एवरेज के पास जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो 52,136 का ये रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर अगला रेजिस्टेंस है 52,362 का, और उसके बाद जो अगला रेजिस्टेंस है 52,551 का। जो पिछले एनालिसिस में मैंने रेजिस्टेंस बताए थे वही रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारे पास 52,744 है, ऊपर की तरफ 53,000 का जो राउंड फिगर लेवल है वो है। तो मार्केट में एक अच्छा रिकवरी भी आ सकता है, लेकिन हमें एंट्री कब लेनी है, जब 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट निकल जाएगी तब हम सेफली एंट्री ले सकते हैं, और ये सारे जो मैंने टारगेट बताए हुए हैं वो सारे टारगेट अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी में लेवल्स है। निफ्टी में देख लेते हैं निफ्टी में क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं। निफ्टी में देखिए, निफ्टी में आप देखिए कितनी बड़ी रेड कैंडल बनी है। अब इसे कैसे पकड़ेंगे भाई, बताओ आप कैसे पकड़ेंगे। यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट मिलने के बाद ये देखिए यहाँ से रिजेक्शन आया, रिजेक्शन आने के बाद कितने लोगों ने यहाँ पे कॉल साइड एंट्री लिया होगा, और उसके बाद एक ही कैंडल ने पूरा प्रॉफिट लेके गई है। उसके बाद रिकवरी भी देखिए कितनी जबरदस्त रिकवरी निफ्टी में आई है। तो निफ्टी में अगर बात करें तो 50 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग आई है, 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग आई है। निफ्टी अगर कल के दिन गैप ओपनिंग होती है, फ्लैट ओपनिंग होकर अपसाइड निकलती है, तो लेवल ब्रेक करना ज़रूरी है निफ्टी के लिए। ये वाला जो है 24,500 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, ये ब्रेकआउट हो जाएगा तो निफ्टी अपसाइड भी हमें मूवमेंट दिखा सकती है। लेवल्स निफ्टी में क्या बन रहे हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। लेवल्स हमारे पास निफ्टी में बन रहा है 24,613 का जो रेजिस्टेंस है, ये हमारा पहला रेजिस्टेंस होगा, और नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारे पास 24,708 का बन रहा है, उसके बाद 24,779 है, 24,840 का जो लेवल है वो हमारे पास अगला रेजिस्टेंस होने वाला है। तो ये सारे रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है निफ्टी में। अगर निफ्टी डाउन साइड आती है, 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे सस्टेन करने लग जाती है, तो हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करके एक बड़ा टारगेट अचीव कर सकते हैं। पहला टारगेट हमारा ये रहेगा, ये जो सपोर्ट है 24,359 का पहला सपोर्ट रहेगा, ये सपोर्ट लेके मार्केट अपसाइड भी निकल सकती है। नेक्स्ट सपोर्ट हमारे पास ये वाला लेवल रहेगा जो है 24,234 का, और उसके बाद अगर मार्केट डाउन साइड आती है तो बिल्कुल 24,160-120 का भी लेवल हमें दिखा सकती है। ठीक है, तो ये लेवल भी मैं आपके लिए बना लेती हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैं लेवल बना के दिखा रही हूँ आपको, ताकि आप भी अपने चार्ट में जो है लेवल बना सकें। ये देखिए यहाँ तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में, अगर निफ्टी डाउन साइड आती है तो। ठीक है, निफ्टी में एक रिकवरी मुझे नज़र आ रही है, हो सकता है निफ्टी का एक रिकवरी कर जाए। बैंक निफ्टी में कुछ खास रिकवरी नज़र नहीं आ रही है, बैंक निफ्टी थोड़ी सी डल नज़र आ रही है। बैंक निफ्टी अगर नीचे जाएगी तो एक अच्छा हमें मूव देखने को मिल सकता है। रिकवरी के लिए बैंक निफ्टी को एक दोनों ही मूविंग एवरेज ब्रेक करना पड़ेगा, जो बहुत ज़्यादा मुश्किल है बैंक निफ्टी के लिए, दोनों मूविंग एवरेज ब्रेक करना। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बैंक निफ्टी क्लियरली नज़र आ रही है कि 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे ही बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया, तो रिकवरी थोड़ी सी मुश्किल बैंक निफ्टी में होने वाली है। हो सकता कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो हो सकता है रिकवरी आए थोड़ी सी, यहाँ पे थोड़ी सी रिकवरी आए, इस तरह से बैंक निफ्टी अपसाइड निकलने की कोशिश करे, 50 दिन की मूविंग एवरेज को टच करके फिर से डाउन साइड आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो मूवमेंट क्या हो सकता है, 200 दिन की मूविंग एवरेज को ब्रेक करेगी, इस तरह से अपसाइड जाएगी, 50 दिन की मूविंग एवरेज को टच करेगी, फिर डाउन आएगी, फिर 200 दिन की मूविंग एवरेज को टच करके अपसाइड जाएगी। मतलब ये जो जोन दिख रहा है ना, इसी जोन में मार्केट को चलाते रहेंगे ऑप्शन सेलर्स और थीटा खाते रहेंगे। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी है बैंक निफ्टी में, क्योंकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, एक्सपायरी के दिन जो है यही मोस्टली होता है, ऑप्शन सेलर्स जो है थीटा खाते हैं और ज़्यादातर मार्केट को साइडवेज जाते हैं। चलिए अभी ये जो ट्रायंगल पैटर्न मैंने बनाया उसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, क्या स्ट्रैटेजी है, किस तरह से वर्क करता है, जितने भी चार्ट पैटर्न है वो सारे चार्ट पैटर्न के बारे में मैंने वीडियो बना रखी है। एम पैटर्न है, उसके बाद हम बात करें डब्लू पैटर्न है, ट्रायंगल पैटर्न है, हेड एंड शोल्डर है, हेड एंड शोल्डर के बारे में भी वीडियो बना रखी है, उस वीडियो को भी आप जाके देख सकते हो, चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और सारी वीडियोज़ जितनी भी स्ट्रैटेजी है, आरएसआई है, बोलिंजर बैंड है,
सुपर ट्रेंड है, एमएसडी है, जितनी भी इंडिकेटर है, जितनी भी स्ट्रैटेजी है, वो सारी स्ट्रैटेजी मैंने आपको सिखा रखी है। 9:30 की स्ट्रैटेजी बना रखी है, NR7 की स्ट्रैटेजी बना रखी है। उसके बाद हम बात करें तो इंडिया विक्स की भी स्ट्रैटेजी मैंने सिखा रखी है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से वर्क करते हैं, किस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का फ़ायदा हम उठा सकते हैं, वो भी मैंने बता रखा है, वो भी मैंने वीडियो बना रखी है। 9:30 की स्ट्रैटेजी सिखा रखी है। गैप अप गैप डाउन की स्ट्रैटेजी मैंने सिखा रखी है, गैप अप गैप डाउन का किस तरह से फ़ायदा उठाया जाता है और किस तरह से बढ़िया प्रॉफिट बनाया जाता है। हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के बारे में भी मैंने वीडियो बना रखी है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर किस तरह से वर्क करता है, कब वर्क करता है, कब वर्क नहीं करता, जितनी भी कैंडलस्टिक पैटर्न है वो सारे कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में भी मैंने वीडियो बना रखी है। उस वीडियो को भी आप जाके देख सकते हो, कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न वर्क करती है मार्केट में, कौन सी वर्क नहीं करती, कब वर्क करती है, कब वर्क नहीं करती, कब आपको एंट्री लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए, ये सब कुछ मैंने वीडियो में सिखा रखा है। तो वीडियो को जाके देखिए, चैनल के प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज आपको मिल जाएगी। ट्रैपिंग मार्केट से बचने का तरीका भी मैंने बता रखा है। ये देखिए यहाँ पे ट्रैप हुआ है, फिर यहाँ पे अगर इस रिजेक्शन की बात करें तो यहाँ पे भी ट्रैप हुआ है, तो ट्रैप से बचने का भी तरीका मैंने बता रखा है। वो वीडियो को भी आप जाके देख सकते हो, चैनल के प्लेलिस्ट में वो वीडियो भी मिल जाएगी। ऑप्शन चंडेता को देख के डेली बेसिस पर आप कैसे प्रॉफिट बना सकते हो, वो भी मैंने वीडियो बना रखे, उन वीडियो को भी आप जाके देख सकते हो। 200 दिन की मूविंग एवरेज, 50 दिन की मूविंग एवरेज आप देख पा रहे हो, ये स्ट्रैटेजी भी मैंने सिखा रखी है। दोनों ही वीडियोस मैंने बना रखे, दोनों इंडिकेटर के बारे में, 200 दिन की मूविंग एवरेज, 50 दिन की मूविंग एवरेज सेटिंग बता रखी है ईएमए की, जाके देख सकते हो उन वीडियो को भी। 20 EMA, 9 EMA, 5 EMA उनके भी वीडियो बना रखी है, उस वीडियो को भी आप जाके देख सकते हो। क्रॉस ओवर होने के बाद देखिए मार्केट कितना बड़ा मूवमेंट करता है यहाँ पे, ठीक है। तो क्रॉस ओवर की भी मैंने वीडियो बना रखी है। ये देखिए यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, मार्केट डाउन साइड आई, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, मार्केट अपसाइड निकली। तो ये सारे मूवमेंट भी आप कैप्चर कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी मैंने सिखा रखी है, स्कैल्पिंग की भी स्ट्रैटेजी मैंने सिखा रखी है। स्कैल्पिंग की भी स्ट्रैटेजी को अप्लाई करके आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या सेटिंग होनी चाहिए, कब आपको ट्रेड लेना चाहिए, वो सब कुछ वीडियो में सीखने मिल जाएगा आपको दोस्तों। तो जाके देखिए, वीडियो सारी इंपॉर्टेंट है, जो आने वाली वीडियोस है वो भी इंपॉर्टेंट है। सारी वीडियोस को आपको देखना चाहिए, तभी आप मार्केट के मूवमेंट को, मार्केट किस तरह से चलने वाले है, मार्केट क्या कर सकती है, वो सब कुछ मैं एनालिसिस वीडियो में तो सिखाती रहती हूँ, लेकिन आपको स्ट्रैटेजी की वीडियो में भी बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। तो स्ट्रैटेजी की वीडियो भी मिस मत किया कीजिए, ठीक है। चलिए ऑप्शन चंडेता देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चंडेता मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है। कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा ट्रैपिंग हो सकता है दोस्तों, तो बैंक निफ्टी से थोड़ा सा बच के रहिएगा कल के दिन। निफ्टी में अगर हम देखें तो 24,500 का लेवल जो है वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बैठा हुआ है। अगर 24,500 के ऊपर मार्केट निकलते हैं तो 24,600 उसके बाद 24,700 देखने को मिल सकता है हमें, ठीक है। तो यहाँ तक के लेवल हमें नज़र आ रहे हैं निफ्टी में। अगर निफ्टी 24,500 के नीचे निकलती है तो पहला लेवल है 24,400 का और उसके बाद अगला लेवल है 24,300 का। ये दोनों ही लेवल इम्पॉर्टेंट बने हुए हैं, ठीक है। तो ये लेवल जो है सपोर्ट के जैसे काम करेंगे, 24,400 और 24,300 का। 24,300 के बाद डायरेक्टली अगला लेवल 24,200 है और उसके बाद डायरेक्टली 24,000 का लेवल बन रहा है अगर निफ्टी डाउन साइड आती है। और अपसाइड की बात करें तो डायरेक्टली हमें 24,800 का लेवल और उसके बाद 24,900 25,000 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। अगर निफ्टी कंटिन्यू अपसाइड निकलती है तो 25,000 को भी टच कर सकती है। ये अभी तक का ऑप्शन चंडेता कह रहा है। वैसे ऑप्शन चंडेता लाइव मार्केट में अपडेट होता रहता है, तो आपको लाइव मार्केट में ही पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो मार्केट में, ठीक है। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। ऑप्शन चंडेता को किस तरह से लाइव मार्केट में पहचाना जाता है, कैसे प्रॉफिट बनाया जाता है, ऑप्शन चंडेता को देख के वो मैंने वीडियो बना रखी है, उस वीडियो को भी आप जाके देख सकते हो। चैनल के प्लेलिस्ट में वो वीडियो भी मिल जाएगी आपको। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बैंक निफ्टी में अभी भी लोग जो है इंटरेस्ट नहीं ले रहे, सिर्फ अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट मुझे इस लेवल पर नज़र आ रहा है जो है 52,000 का। यहाँ पे मुझे अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट नज़र आ रहा है और यहाँ पे अगर हम देखें तो 51,000 का लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है। इस तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे 51,500 है, लेकिन इतना खासा ओपन इंटरेस्ट हमें नज़र नहीं आ रहा है इस लेवल पर। तो अगर मार्केट डाउन साइड निकलती है तो हमें डायरेक्टली 51,500 या फिर डायरेक्टली हमें 51,000 आते हुए नज़र आ जाएगी बैंक निफ्टी। अगर अपसाइड निकलती है तो 52,000 का रेजिस्टेंस है, उसके बाद डायरेक्टली 52,300 है और उसके बाद डायरेक्टली 52,500 है और उसके बाद डायरेक्टली अगर हम देखें तो 53,000 का लेवल बन रहा है।
तो अगर ये सारे लेवल तोड़ के मार्केट अपसाइड निकलती है तो 53,000 तक का भी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। वैसे बीच में रेजिस्टेंस बहुत सारे हैं, लेकिन नीचे की तरफ सपोर्ट देखें तो सपोर्ट सिर्फ यही बन रहा है 51,000 का, और एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट ये बन रहा है 51,500। तो ये दोनों सपोर्ट तोड़ के भी मार्केट हमें 51,000 का लेवल दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी की एनालिसिस है दोस्तों। डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, ये ऑप्शन चिन्हता की एनालिसिस है दोस्तों। ऐसे ऑप्शन चिन्हता लाइव मार्केट में अपडेट होगा तो लाइव मार्केट में ही पहचानेगा। ये तो मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए, बताने के लिए एनालिसिस वीडियो में सिखाती हूँ, क्योंकि आप जो है लाइव मार्केट में पहचानना सीख सकें। ऐसे डिटेल में मैंने ऑप्शन चिन्हता की वीडियो बना रखी है, उस वीडियो को आप जाके देखिए। डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन इसलिए मत कीजिएगा क्योंकि कॉल पुट के लिए आप आओ और फिर जब कॉल पुट ना मिले तो आप चले जाओ। कॉल पुट में बिल्कुल प्रोवाइड नहीं करती हूँ दोस्तों। अगर सीखना चाहते हैं, अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं, सच में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं और हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और व्हाट्सअप का नंबर मैं वीडियो के एंड में दे दूँगी, अगर कोर्स लेना चाहते हैं आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो यही था दोस्तों वीडियो में। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले हर नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि और लोग भी इस वीडियो को देख के एनालिसिस करना सीख सकें, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकें, अपने लॉस को धीरे धीरे रिकवर कर सकें। निफ्टी में एक छोटी सी बात बताना रहेगी जो है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक ट्रेंड लाइन बन के निकल के आ रही है। ये ट्रेंड लाइन बहुत ही बढ़िया से निफ्टी में रिस्पेक्ट करेगी, तो ये ट्रेंड लाइन आप अपने चार्ट में मार्क करके रख सकते हैं। इस तरह से ट्रेंड लाइन बन रही है और ये ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट हो जाता है निफ्टी में तो एक अच्छा मोमेंट भी हमें देखने को मिल सकता है। व्हाट्सअप नंबर देने जा रही हूँ दोस्तों, व्हाट्सअप करके आप हमारा कोर्स भी ले सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करके हमारा कोर्स ले सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच दोस्तों।